वेलकम टू ऑल टाइम फ्री ट्यूटर। आज हम शुरू करेंगे गुणा से और उसके बाद भाग से। ये कैसे इस्तेमाल करना है, अगर ये कैसे इस्तेमाल करना है, अगर ये गलत कुछ मुश्किल होता है तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। ये सिल्क कीजिए और उसके बाद ये जो ओपन लिंक है इसको दबाए तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं ये क्या है, कैसे करना है। गुणा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये है। पहले लिखा है नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट 3। दैट मींस इसका मतलब है पहला जो नंबर है ये 3 संख्या का होगा। ये बोल रहा है कि पहला जो संख्या है ये 3 संख्या का होगा, 3 अंक का होगा। और ये जो नंबर ऑफ डिजिट 2 बोल रहा है इसका मतलब है सेकेंड जो नंबर है, दूसरा जो नंबर है वो 2 डिजिट का होगा, 2 अंक का होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन, ये गुना गलतियां होता है, हम भी गलती किए, सब लोग गलती किए। ठीक है, उसके बाद जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सुधारेंगे और गलतियां नहीं होगा। इसके लिए क्या जरूरत है, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब पहाड़ को बहुत अच्छे से सीखना है। जितना अच्छे से सीखेंगे उतना अच्छे से क्या होगा, ये गलतियां होने के चांसेस भी कम होगा और जल्दी जल्दी भी रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम अच्छे से कैसे सीखेंगे। ठीक है जी, अभी क्या है, तो ये गुना आप अपना कॉपी में पूरा कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद क्या है, आपको मम्मी पापा या नेक्स्ट डे जब आपका टीचर आएंगे तब तक वेट रुकना नहीं पड़ेगा कि क्या ये मेरा कितना गलतियाँ है, कि कौन सा पर गलतियाँ है, ये सुधारने के लिए जरूरत नहीं है। अब तुरंत अभी ये जो हमारा वर्ल्ड टाइम फ्री ट्यूटर है वो दिखाई देगा कि यहाँ पर गलती की है। अगर गलती नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर गलतियाँ हो रहा है तो कहाँ पर गलती हो गया, आप एक एक करके देख सकते हैं आराम से और अपना गलतियाँ तुरंत सुधार सकते हैं। ठीक है, आगे पर आपको लगता है कि ये संख्या बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके लिए तो ये नंबर छोटा कर दीजिए, ये नंबर 2 डिजिट का कर दीजिए, ये नंबर भी 2 डिजिट का कर दिए, एक एक जरूरत नहीं है, एक एक बहुत आसान है। ठीक है, ये प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद फिर से नीचे आके देखिए। ठीक है, वो हो जाने के बाद फिर से ऑरेंज पर क्लिक कीजिए, सर्किल देन क्लियर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर से नया नंबर आएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और नीचे आके देखिए कि सही है कि गलत है। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है तो आप ये नंबर को ज़्यादा कर दीजिए, ये नंबर 5 डिजिट का कर दीजिए, ये सेकेंड नंबर है ये 3 डिजिट का कर दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और उसके बाद नीचे आइए और देखिए कि आपका कहाँ पर गलती हुआ है। अगर गलती नहीं हुआ है बहुत अच्छी बात है, अगर गलती हो गया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए गुणा हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, सॉरी। ठीक है, और जितना गलतियाँ अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये गलतियाँ होगा, ये गलतियाँ होने का चांसेस होते हैं, इसलिए गुणा बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रुकने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों कहाँ पर गलतियाँ हो रहा है आप तुरंत करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
इस तरीके से आप ये जो ये नंबर है ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी चलते हैं भाग में डिवीजन। सिमिलरली ये जो पांच है, पांच मतलब है फर्स्ट जो नंबर है वो कितना डिजिट का होगा और ये सेकंड जो नंबर है वो कितना डिजिट का होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, ये सेट कर दीजिए। इसके बाद ये विभाजन कीजिए। विभाजन करने के बाद नीचे आइए और देखिए कि ये आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। जो ये जो नंबर है इसको कहते हैं भाजक। आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डिविजर, हिंदी में कहते हैं भाजक। इसको ये जो नंबर है इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, हिंदी में कहते हैं भाज्य। ये जो नंबर है, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट को कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं कोशेंट, हिंदी में कहते हैं भागफल। और ये जो नंबर और दूसरा आंसर है उसको कहते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर, हिंदी में कहते हैं शेषफल। ठीक है, ये जानना, इंग्लिश टर्म जी भी जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ऊंचा क्लास में जाएंगे तो मुश्किल होगा। ठीक है, हिंदी के साथ साथ कुछ इंग्लिश टर्म भी जानना जरूरी है, इसलिए दे दिए को आपको आसानी से होगा टर्म जानना। ठीक है, ये प्रैक्टिस कीजिए। आपका ये गलती हो रहा है तो कहाँ पर गलती हो गया है ये तुरंत आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये सेटिंग्स हम अभी मैं और बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सेटिंग्स आप जानते हैं कैसे चेंज करना होता है। आपको जैसा लगता है आप ये सेटिंग चेंज कीजिए, हो जाएगा। और एक बात है कि ठीक है, ये जो ट्रिक वीडियो है जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपका जो छोटा छोटा गलतियाँ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपका सही है फिर भी छोटा गलतियाँ हो जाता है डिवीजन में, क्यों होता है इसका ये यहाँ पर आराम से बता देंगे। आप ये देख सकते हैं वहाँ पर ट्रिक वीडियो हिंदी में। ठीक है, आई होप आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये इस्तेमाल करना, ये ऑल टाइम फ्री ट्यूटर। ठीक है, धन्यवाद।